हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जे सेक्शन चला हुआ है, इतिहास चला हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा संविधान ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर पोस्टेड हैं। इफ यू रियली हैव इंटरेस्ट देन यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। ओके, इसके साथ अब हमारा सेक्शन में क्या चलेगा, आज हमारा टॉपिक है क्या है, आज हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन है कि पुष्यपति वंश। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने लास्ट क्लास में गुप्त वंश के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद कुछ वंश निकल कर आए, लेकिन वे वंश इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये हर्षवर्धन यानी कि पुष्यपति वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज हम इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे एंड वी विल कवर ऑल द इंपोर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पॉइंट इन दिस सेक्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नाम आता है पुष्यपति वंश, ठीक है। पुष्यपति वंश में अगर आप थोड़े से बैकवर्ड में जाएंगे ना, तो एक जिस तरह की कोई मूवी की कहानी चल रही होती है, कुछ इस तरह की कहानी थी, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो तो उसके ऊपर मूवी बना सकता है, ठीक। स्थापना, बात आती है स्थापना की, इसकी स्थापना किसने की, सबसे पहले इसकी पुष्यपति वंश की स्थापना की किसने, नरवर्धन ने की, ठीक है। मोखरी वंश आए थे इससे पहले, मोखरी वंश को हटाकर उनको हराकर नरवर्धन ने पुष्यपति वंश की स्थापना की। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर यानी कि हरियाणा में थी, ठीक। तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि पुष्यपति वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, हरियाणा थी। अब चूंकि डिफरेंट हरियाणी आ गई, हरियाणा यानी डिफरेंट राजधानी आ गई, तो इनका नाम भी इंपोर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद आते हैं एक शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, ठीक है, और जिसको पुराने तौर पर महोदया कहा जाता था। तो आपसे महोदया भी पूछ सकते हैं या कन्नौज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ी सी कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूं। नरवर्धन के पुत्र, दो पुत्र, नरवर्धन का पुत्र बना प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन, और इनकी बहन थी, उसका बहन का नाम क्या था, राज्य श्री, इनकी बहन का नाम था, ठीक है। अभी ये राज्यश्री, ठीक है, राज्यवर्धन की बहन, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक मोखरी वंश के ग्रहवर्मन से हुआ, ठीक है। ग्रहवर्मन से राज्यश्री का विवाह हुआ। फिर क्या आता है, गौड़ वंश के शासक का क्या नाम था, गौड़ वंश के शासक नरेश संसाग ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब फिर क्रोध आवेश में आ गए, इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, राज्यश्री यानी कि इनकी बहन को भी कैद कर लिया। अब इस बात को सुनकर जो राज्यवर्धन था वह क्रोधित हो गया, तथा बदला लेने के लिए उसने क्या किया, शशांक यानी कि नरेश पर हमला कर दिया, ठीक है। राज्यवर्धन ने क्या किया, मराओं पर आक्रमण कर दिया, यानी कि नरेश शशांक पर आक्रमण कर दिया। शशांक ने क्या किया, राज्यवर्धन को मार दिया धोखे से, ठीक है, इनको धोखे से थे, राज्यवर्धन को भी मार दिया। इसी के साथ साथ क्या किया, उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। अब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, अब नए शासक बनते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन शासक बने, वो इनका टाइम ड्यूरेशन आता है 606 ईस्वी से 649 ईस्वी तक। इसी के साथ साथ इनकी एक उपाधि भी आपको याद रखनी है, हर्षवर्धन की उपाधि मिली थी, उसका नाम था शल्यादित्य, ठीक है। अब देखिए, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बना, फिर क्या किया, उसने फिर शशांक पर हमला किया तथा शशांक को मार दिया। हर्षवर्धन ने किसको मार दिया, शशांक को मार दिया। फिर उसको मारने के बाद उसने कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब जब कन्नौज पर अधिकार करने के बाद फिर हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी क्या बनाई, मोदिया बनाई। इसी के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव मता अनुयायी था, यानी कि वो शैव धर्म से कनेक्टेड था, लेकिन उसके बाद में फिर उसको एक और उपाधि मिली, उसका नाम हो गया नीलहो। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म में कैसे कन्वर्टेड हुए, वे हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखेगा, चीन का यात्री था, उसका नाम क्या था, ह्वेनसांग, बहुत इंपोर्टेंट था, और हर्षवर्धन के काल में उसका
बहुत ही प्रिय था। तो हर्षवर्धन ने चीनी यात्री हेनसांग के प्रभाव में आकर बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो फिर क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, तो बौद्ध धर्म था, ठीक है। और बौद्ध धर्म भी महायान शाखा में, और यहीं से इनके राज्य का खात्मा शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ, हेनसांग के बारे में कुछ पाते हैं। हेनसांग को तीर्थ यात्री पर राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि तीर्थ यात्री पर राजकुमार कौन था, तो हेनसांग था। हेनसांग क्या था, यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आया था, ठीक है, कहां से, चीन से। इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया महायान शाखा को, और अपनी पुस्तक कौन सी लिखी इसने, सी यू की। तो आपकी तीन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हेनसांग से, हेनसांग कहां का था, चीन का यात्री था, किसके शासन काल में आया, है ना, शासन काल में किसी आया, लेकिन इंपॉर्टेंट इसको हर्षवर्धन के शासन काल में लिखी। इसने अपनी पुस्तक लिखी सी यू की, और सी यू की भी बताया इसने कि वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। इसके साथ साथ आपसे हेनसांग के शिक्षक का नाम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके आचार्य का नाम था सीलभद्र, इनके आचार्य का नाम था। एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा, हर्षवर्धन द्वारा गरीबों की मदद करने के लिए, किसके लिए, गरीबों की मदद करने के लिए हर 5 साल में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक सभा आयोजित करी जाती थी। हर 5वें साल में प्रयाग में एक सभा आयोजित की जाती थी। अब इस सभा का नाम आपसे पूछ सकते हैं, इस सभा का क्या नाम था, इस सभा का नाम था महामोक्ष परिषद, ठीक है। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यापारियों का विकास के लिए, व्यापारियों के विकास के लिए हर्षवर्धन ने 3 दूत कहाँ भेजे, चाइना से, चाइना को भेजे। तो हर्षवर्धन के काल में हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि चाइना के साथ हमारी कनेक्टिविटी एज ए ट्रेड स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, ठीक है। इसके साथ साथ इस काल में शूद्रों का सामाजिक विकास भी हुआ। तो सामाजिक उत्थान, शूद्र कहां पर होता है, हर्षवर्धन काल में सब शूद्रों का सामाजिक उत्थान होता है। हेनसांग द्वारा शूद्रों को अन्नदाता भी कहा गया। तो पूछा जाएगा कि अन्नदाता हेनसांग ने किसको कहा, तो शूद्रों को अन्नदाता कहा गया। इसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि शूद्र उस टाइम तक आकर ट्रेड एंड कृषि में अपना अच्छा कंट्रोल पा चुके थे, ठीक है। हर्षवर्धन विद्वानों का संरक्षक भी कहा गया, हर्षवर्धन को विद्वानों का संरक्षक भी कहा गया। आपसे पूछ सकते हैं इनके राजकवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट, ये नाम आपको याद रखना है। और बाणभट्ट की 2 बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, नंबर 1 कादंबरी और नंबर 2 हर्षचरित। तो हर्षवर्धन की यानी कि हर्षवर्धन के काल का सारा इंपॉर्टेंस ब्यौरा हमें बाणभट्ट की लिखी हुई हर्षचरित से मिलता है। तो दीज 2 बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर बाणभट्ट, आपको याद रखनी है हर्षचरित और कादंबरी, ठीक है। इसके साथ साथ हर्षवर्धन ने भी 3 बुक लिखी थी, आपको हर्षवर्धन की बुकों का नाम भी याद रखना है, नंबर 1 नागनंद, नंबर 2 प्रियदर्शिका और नंबर 3 रत्नावली। तो 3 बुक आपको हर्षवर्धन की याद रखनी है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इनका राज्यपाठ यानी कि इनका प्रशासन कमजोर हो गया, तथा इनके राजद कमजोर होते ही 3 वंश ने इन पर आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है। उन 3 वंश में कौन कौन आ जाते हैं, एक तो आगे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, और 1 वंश हो जाता है। तो इन 3 वंश के बाद, इसके बाद इनका शासनकाल खत्म हो गया, और नया शासन किसका निकल आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताएंगे, जो कि एक राजपूत शासक थे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज बी कनेक्टेड विद अस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, एंड एज वेल एज आपको कोई कमेंट, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं, वी विल डायरेक्टली एक्सेस इन योर डाउट, ओके। As well as if you do not subscribe our channel till now, then please do subscribe our channel and be connected with our Telegram channel. Till now, be safe, be healthy. Okay, see you again.